वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। आज हम लोग बात करेंगे जी फाइव पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है फोन ऑफ फ्रेंड। इस वेब सीरीज में आपको तकरीबन 12 एपिसोड देखने मिलेंगे। हर एपिसोड के लिए ऑलमोस्ट 26 मिनट से लेकर 17 मिनट्स के बीच में। खैर, इस सीरीज की कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है वेकला खान से, जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया वैभव का। वो एक कॉलेज के प्रोफेसर है और एज 27 और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। शादी छोड़ उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं, और इवन वो जिस कॉलेज में पढ़ाते उसी कॉलेज की एक उनकी कलीग होती जिसका नाम होता निकिता। उसको देख के वो हर रात को पॉर्न मूवीज देखते। कहानी में ट्विस्ट आता है जब उन्हें एक कॉल आता है। अब वो कॉल किसका है, उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है फोन अ फ्रेंड। अब मैं आपको बता दूं, इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही हटके है। हालांकि जो चीजें है वो आपने हॉलीवुड की फिल्मों में कई बार देख चुके, लेकिन ये सीरीज में जिस तरह से प्रेजेंट किया वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हालांकि जब सीरीज की शुरुआत हुई तो मुझे लगा था कोई सीग्रेट की सीरीज देख रहा है। उसमें जो कुछ स्टार्टिंग में ऐसी चीजें बताई जो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली ऑडियंस के साथ नहीं देख सकता, कि उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती है ये सीरीज बहुत ही एक अच्छा एनवायरमेंट के लिए मैसेज देती है और साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया कहानी बताती है। ओवरऑल लेंथ की बात हो 4 घंटे 25 मिनट के करीब कुछ ओवरऑल लेंथ है और कहीं पर भी मैं बोर नहीं हुआ। हालांकि स्टार्ट में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये कुछ इतनी खास नहीं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि सीरीज आगे बढ़ती तो इस सीरीज में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ता जाता है। और कुल मिला के ये सीरीज आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग को ये सीरीज कैसी लगी। क्योंकि मुझे ये सीरीज अच्छी लगी और इंडियन मेकर्स लोग के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कॉन्सेप्ट पर इस सीरीज के ऊपर आया, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। हालांकि इस तरीके की चीजें रियल लाइफ में होती नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से बेहतरीन तरीके से इसको पेश किया वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली बताओ तो इस सीरीज का जो मेन हीरो है वो एकला खान यानी कि वैभव नहीं है, बल्कि वो एक फोन है। अब वो कैसे होता है आप ये सीरीज देखोगे तो आप समझ जाओगे। उसके अलावा दूसरे एक्टर्स का परफॉर्मेंस की बात करो तो स्वाति कपूर का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। कुल मिला कि ये सीरीज आप लोग देख सकते हो, लेकिन फिर भी एज ए इंडियन वेब सीरीज मुझे पर्सनली लोग कॉन्सेप्ट और उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है कुछ अलग हटके लगी। और डेफिनेटली मैं इन लोगों को सपोर्ट करूंगा और मैं इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एक बार तो सही प्लीज इस सीरीज को जरूर देखना, आपको कुछ अलग तो देखने को जरूर मिलेगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ राशि शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट। तो दिल से दुआ में रखना।